हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ये वीडियो है वो उसका टॉपिक है लेंटाना। तो जो लेंटाना है ये हमारा वैसे तो साल भर ही ब्लूम करता है, ठंडियों में थोड़ा सा ये डोमेंसी में चला जाता है, अदरवाइज ये हमें साल भर ही ब्लूम देता रहता है। बट स्पेशली ये स्पेसिफिकली जो है ये समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में इसमें फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा ब्लूम करते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 45-46 के अबव भी चला जाता है तो भी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। और ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे पास भी ये येलो हुआ, ये पर्पल कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, ये पर्पल कलर है। फिर ये एक वाइट में भी मेरे पास है, ये अभी ब्लूम आके अब ये जाने में है, बहुत सारी ब्लूम दे चुका है। फिर ये एक बार सारे अपने फ्लावर्स एक बार ब्लूम हो जाएंगे, मैं इनकी डेड हेडिंग कर दूंगी तो फिर से ये इसी तरीके से ये जो प्लांट है ये फ्लावर्स से भर जाएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये एक कलर आता है, ये देखिए रेड और ऑरेंज का मिक्स। इसमें अभी पूरा आप देख सकते हैं प्लांट जो है मेरा ये पूरा ही बर्ड्स से भरा हुआ है और ये बहुत जल्दी एक दो दिन में ही ये पूरे फ्लावर्स जो हैं ये ब्लूम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स हैं ये एक बार ब्लूम करते हैं तो कम से कम 6-7 दिन ये आराम से रहते हैं। ओ, ये देखिए आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई बैठी हुई है, कितनी ही सुंदर लग रही है ये देखिए। आजकल फ्रेंड्स गार्डन में बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है बटरफ्लाई। तो इस तरीके से गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, ये आती ही रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, लग रहा है जैसे बारिश होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी लेंटाना फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। तो ये वैसे तो हमारा, अगर आप एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में ले आते हैं तो ये प्लांट जो है वो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। ये पेरेनियल प्लांट है, सीज़न के बाद भी ये बना ही रहेगा आपके गार्डन में। बस ये है कि हमें इसका ठंडी के दिनों में ही हमें इसकी थोड़ी सी केयर करनी होगी और बहुत ज़्यादा जब बारिश रहेगी, हैवी रेन, उस टाइम पर हमको इसको थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो अभी जिस प्रकार से अभी समर्स चल रहे हैं तो इस टाइम पर तो ये हमारा पूरा हम इसको फुल सनलाइट में रखें तो बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लूम करता है। अब हम इसकी प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो ये बहुत ही इजीली हमारा जो कटिंग है उससे प्रोपोगेट हो जाता है। और ये एक ट्री, छोटा सा हम इसको बोनसाई ट्री का भी हम इसको लुक दे सकते हैं जैसे ये बढ़ते जाएगा। मैंने तो ये अभी इसी साल में, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं अपने ऑफिस के साइड में जो डिवाइडर रहता है वहाँ पे इसकी कटिंग्स, ये प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैं उसके सिर्फ एक एक कटिंग तोड़ के ले आई थी और वो मैंने ये देखिए लगाए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना सुंदर फ्लावरिंग, ये सिर्फ कटिंग से लगे हुए हैं ये सारे और वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। वैसे ये नर्सरी पर भी बहुत ही ईजीली ये प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये 10-10-15-15 रुपीज़ में नर्सरी में भी मिल जाते हैं ये प्लांट्स। मैक्सिमम हुआ था 20 रुपीज़ का मिलता है। तो एक बार अगर आप ये प्लांट अपने गार्डन में लेकर आ जाते हैं तो ये फिर हमेशा ही हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और ये जैसे जैसे थोड़ा सी इसकी हाइट लेगा तो आप इसकी कटिंग करते जाइए तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्री जैसा छोटा सा बॉन्साई ट्री का भी लुक ले लेता है। बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है ये प्लांट और आप देख ही सकते हैं कि इसकी ब्लूमिंग कितनी ज़्यादा ब्लूम दे रहा है। ये देखिए इतना सा प्लांट है और इसके ऊपर आप ब्लूमिंग देख सकते हैं, पूरी तरीके से फ्लावर्स से भरा ही हुआ है। ये भी आप देखिए वाइट जो था इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स इसने प्रोड्यूस करके दिए हैं। अभी ये थोड़ा सा एक बार जब इसके फ्लावर्स पूरे चले जाएंगे उसके बाद फिर से ये हमें फ्लावरिंग दे देगा। तो जैसे ही इसके फ्लावर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं ये बहुत इजीली ऐसे आप इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो फिर ये क्या होता है कि सीड पॉट बनाने लग जाता है। तो सीड पॉट बनाने से हमें इसको रोकना है और हमें इसकी हल्की लाइट प्रूनिंग, हर बार फ्लावरिंग के बाद हमें इसकी लाइट प्रूनिंग करते ही रहना है जिससे कि ये हमें और ज़्यादा फ्लावर्स देता रहे। फ्रेंड्स, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें
तो ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स कि हमें इसमें कुछ भी अलग से हमें इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने की हमें ज़रूरत है नहीं। हम इसमें सिर्फ अगर सैंडी सॉइल थोड़ा सा, हम एक पार्ट जो हम सारे ही अपने पॉटिंग मिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इसमें सिंपल सॉइल, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पार्ट लीजिए गार्डन सॉइल का, एक पार्ट सैंड का लीजिए। सैंड थोड़ी सी ज़्यादा भी ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका जो सॉइल है वो थोड़ी वेल ड्रेन्ड हमें रखनी होगी। और एक पार्ट आप इसमें काउडंग कंपो मैन्योर या तो फिर आप कंपोस्ट जो भी डालना चाहें वो आप डाल लीजिएगा। बस इसके अलावा हमें इसको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, और कोई भी एक्स्ट्रा केयर ये नहीं मांगता है। बस एक बार आप लाके लगा लीजिए, आपके गार्डन में बना ही रहता है। अगर इसके ऊपर आपको मिलीबग्स का वैसे तो कोई अटैक दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी कुछ एफिड्स या मिलीबग्स का अटैक दिखता है इसके ऊपर, तो आपको उसके लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिर्फ आप नीम ऑयल का इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, सोपी स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल कोई भी उसके ऊपर फिर आपको परेशान होने वाली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा केयर हमसे मांगता भी नहीं है ये प्लांट। तो इसका बस मेन की पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि हमें इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखना है। इसको शेड नीडेड नहीं रहती है, इसको आप अच्छे से सनलाइट में रखिएगा, और वाटरिंग का इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वैसे तो ये पूरा दिन धूप में रहने वाला प्लांट है, पर ये जो वाटरिंग है ये रेगुलर मांगता है। हमें इसको आप जो भी आपने इंटरवल इसका तय किया है आपके यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसे रेगुलर वाटरिंग करिए। इसको आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही आपकी ये जो सॉइल है ये ऊपरी सरफेस अगर आपका ड्राई होता है तो आपको इसे पानी देना ही है। ये हल्की सी इसकी जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट बनी ही रहनी चाहिए। आप इसे कंप्लीट ड्राई मत करिएगा, नहीं तो अगर इसकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो फिर प्लांट रिकवर होने में फ्रेंड्स टाइम भी लगता है, फिर वो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसीलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा ड्राई इसकी सॉइल होने नहीं देना है। रेगुलर इंटरवल्स के बाद जैसे ही हम पानी डालते हैं, हमने जो भी इंटरवल आपके यहाँ के वेदर के हिसाब से आपने तय करके रखा होगा, आप वो रेगुलर इंटरवल के हिसाब से इसमें वाटरिंग ज़रूर करते रहिए। और ये बहुत सारे अलग अलग शेड्स में मिलता है, मेरे पास वैसे तो सभी शेड हैं। इसमें एक जो देसी, ये सारे तो थोड़े हाइब्रिड टाइप के लेंटाना है, और एक लेंटाना आता है फ्रेंड्स जो बिल्कुल देसी होता है, रंग बिरंगे उसमें चार पांच कलर्स होते हैं, वो मेरे पास नहीं है। अब इस बार मैं बारिश के टाइम पे उसकी भी कटिंग लाके लगाने वाली हूँ। तो ये सभी लेंटाना एक बार अब आपके गार्डन में लेकर आ जाइए, ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे और आपको इसकी कोई भी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। और समर्स में जब बिल्कुल ही फ्लावर्स के हमारे गार्डन में कमी रहती है, उस टाइम पे आप देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये, बहुत ही प्यारे आपके गार्डन में फ्लावरिंग देते रहते हैं जब हमारे गार्डन में कुछ भी नहीं रहता है उस टाइम पे। तो बस फ्रेंड्स यही था, इसमें ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत है नहीं इस प्लांट में। और देख सकते हैं आप कि मेरे यहाँ पे अभी भी डायंथस बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी डायंथस में बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग। ये मेरे पेंटास आपको एक नज़र दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स विंका विंका भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और गलेडियस के फ्लावर्स देखिए फ्रेंड्स आप कितने ही प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं गलेडियस के। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लेंटाना के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का। और फ्रेंड्स बस इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। अगर आज आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का आपका मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो जल्द ही किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।